आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हम मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद है जो है आजमगढ़ जिले के सरामीट थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ये रोड है जो सरामीट से जो आजमगढ़ से जाते हुए फूलपुर साहिबगंज जाता है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक घटना हुई है। यहाँ के जो ये फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के ड्राइवर बता रहे हैं कि कोई बच्चा था जो अपने गाड़ी को सांप की तरह घुमाते हुए मेरे गाड़ी के पास लेकर आया। मैं उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी ये खंती में चली गई है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैमिली वाले जो माता पिता हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, किस तरह उन लोगों को गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आज कोई घटना होती तो लोग उस गाड़ी वाले को दोषी ठहराते, लेकिन वो गाड़ी वाला बता रहा बेचारा कि मैं उसको बचाने के चक्कर में अपने आप को जो है घायल बना लिया हूँ, अपने आप को मैं जो है बचाते हुए अपने गाड़ी को लेकर खत्म कर रहा हूँ। महिला है, महिला जानने के बढ़ाते ये बताइए क्या नाम आपका, ये कैसे हुआ है, कौन लेके जा रहा था, कहाँ है, लेकर ना आपका। अरे दू चक्का वाला था ना भाई, हाँ फटार की नहीं मिला तो भाई दू चक्का वाले क्या करता, अब ब्रेक ला मारी तो ब्रेक नीचे आइए तो क्या करते। तो क्या लगता है आपको इस तरह लाही लाही तो होली ना भैया, तो हमें डिस्टर्बिंग ना चाहिए। क्या रहा है जो माता पिता हैं, उन माता पिता को क्या बताना चाहेंगे कि आपका बच्चा किस तरह का किस तरह गाड़ी चला रहा है। हमारे साथ नौ युवा हैं और स्टूडेंट भी हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? अरे यार, पढ़ाई कर रहे हो तो डरते कहाँ हो, आवाज़ उठाने में कोई डर लगता है क्या? तो ये बताइए कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं, अभी ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि भैया सांप की तरह घुमाते हुए गाड़ी लेके आ रहा था, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर आज उसका जान चले जाते तो उसके भविष्य का क्या होता है, उसके माता पिता का क्या होता है, माता पिता दोषी किसको ठहराते हैं? तो आपका क्या रहेगा रहेगा आप भी कल के भविष्य में आपका क्या कहना रहेगा, संदेश क्या रहेगा जनता में? दोस्तों, मैं आपको इस तरह की खबरें दिखाता रहूँगा, के मास न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों।